सबसे बेस्ट रहेगा GFX का जो 5D मैट है ना। अच्छा, तो अगर कोई आपको आके कहता है, जैसे मेरा माइल चेजर्स है चैनल, कि माइल चेजर्स पे आपकी वीडियो देखिए, तो उनका ध्यान रखोगे ना थोड़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल रखेंगे ध्यान, खास ध्यान रखेंगे उनका। और बताइए, If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई, जो लोग हमारे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने अभी तक स्कॉर्पियो N में अपना जो मैट्स का काम होता है वो नहीं कराया है, और मुझे थोड़ा सा उसका लाइट भी एनहांस करानी थी, प्लस जो मड फ्लैप्स होते हैं वो भी लगवाने हैं। तो ये तीनों चीज़ें आज होने वाली हैं, और इसके लिए मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है ना कि दिन में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा होता, और मैक्सिमम टाइम से वो क्या होता है, उसके लिए आपको शॉप पे जाके खड़ा होना पड़ता है, धूप में काम कराना पड़ता है। बट अब ऐसा नहीं है, मैं जिनसे अभी ये करवा रहा हूँ वो घर पे आके ये चीज़ करके जाते हैं, तो अभी वो बस पहुँचने वाले हैं, आपको भैया से ही मिलवा दूंगा, जो घर पे आके सारा काम करके जाते हैं, और क्या क्या काम वो करते हैं उनसे बात कर लेंगे, और क्या सारा सीन है वो एक बार नीचे जाते हैं गाड़ी पर, और जब काम शुरू होगा तब आप देखना, और आप भी उनको बुला सकते हो यार, उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? फिर पहले चलते हैं और काम शुरू कराते हैं। तो भाई, गाड़ी मैंने बाहर लगा ली है अभी, और ये आ गए हमारे बल्ब्स, और अभी मैं आपको बता दूँ, मैं LED अभी नहीं करा रहा हूँ, मैं फिलिप्स के जो बल्ब हैं एनहांस करा रहा हूँ, सो 150 वॉट है, पहले ये यूज़ करके देखेंगे कैसे लगते हैं। और भैया आ गए हैं, जतिन भी हैं। भैया हेलो, आप एक बार थोड़ा सा बताओ कि बल्ब कौन से हैं वाले? सर ये अपने फिलिप्स के हैं, एक्सट्रीम विजन प्रो 150, मतलब जो आपके अभी स्टॉक बल्ब लग रहे हैं, हाँ। उनसे इसकी जो आउटपुट रहेगी 150% एक्स्ट्रा रहेगी। एक्स्ट्रा रहेगी ना जी, इम्प्रूवमेंट रहेगी। और ये LED तो नहीं है अभी? नहीं, अभी LED नहीं है, जस्ट हाँ। ये स्टॉक बल्ब्स हैं, मतलब जो स्टॉक बल्ब की आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। अच्छा। ये उसके लिए है कि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहे। ठीक है, तो ये रहेगा हैलोजन वाला ही? हाँ जी सर। तो भैया एक बार अपना उसका भी बता दो, शॉप के बारे में थोड़ा सा। सर अपने शॉप, वैसे तो बेसिकली हमारे 4 आउटलेट हैं गुड़गांव में टोटल, बेसिकली हम जो आए अभी सेक्टर 47 से आए हैं, जो गुडर्थ मॉल के जस्ट अपोजिट साइड पे टकरान मार्केट में। ठीक है भैया, तो भैया जैसे आप मेरे यहाँ पे घर आके सारा काम कर रहे हो, तो वैसे ये कहाँ कहाँ कर देते हो आप? और बिल्कुल अपना गुड़गांव में कहीं भी, गुड़गांव में कहीं भी रहता है ना जी, आप गुड़गांव में कहीं भी बोलेंगे हम वहाँ आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो भैया ये सारा अभी हमारा काम स्टार्ट ही हुआ है, 2-3 चीज़ें हम करा रहे हैं, मड फ्लैप्स हैं, ये हमारे बल्ब्स चेंज हो रहे हैं, और साथ में मैटिंग का काम हो रहा है, मैट का भी शुरू होगा, उसकी बात तब करते हैं। बट भैया ने जैसे बताया कि पूरे गुड़गांव में आके घर पे करके जाते हैं, तो भैया ये सारा एकदम प्लग इन प्ले वाला ही होता है ना बस सीधा? ये तो बल्ब चेंज होना है, कुछ वायरिंग का तो सीन ही नहीं है, कोई वायरिंग के साथ छेड़ाखानी नहीं होगी सर। हाँ। प्रॉपर कपलर निकलेगा। हाँ। और उसकी जगह रिप्लेसमेंट कपलर में ही, सेम कपलर में ही लग जाएगा। हाँ, तो मतलब वो जैसे काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कपलर टू कपलर ही हो रहा है कुछ वायरिंग का, कुछ तो वायरिंग छेड़ते ही नहीं है, ये सीधा प्लग इन प्ले होगा कपलर टू कपलर। भाई हमारा ये जो सामान आया, इस पर कौआ आके कैसे बैठ गया है, और वो भी एकदम बुरी हालत सी हो रखी है इसकी, कुछ पता नहीं क्या है। ये बाय द वे अपने मैट्स भी आ रखे हैं, आप अगर देखोगे तो ये GFX मैट्स होने वाले हैं हमारे, जो सबसे प्रीमियम चीज़ आती है वो वाली लगवाएंगे। तो भाई ये है GFX मैट है ना? हाँ जी सर, GFX है अपना। ठीक है, तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे, जैसे कैसा रहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि मतलब टॉप क्वालिटी रहती है ये वाली आजकल मैट्स में। सबसे बेस्ट रहेगा GFX का जो 5D मैट है ना, यहाँ तक कि डब्बे पे भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर लेस रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लाइफ टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैट्स। हाँ। काफ़ी अच्छी लाइफ रहती है इसकी। तो भैया जैसे 7D मैट आते हैं, 9D मैट भी आते हैं, तो उसमें मतलब ये कैसे डिफरेंट है उनमें, मतलब कि ज़्यादा इन्हांस किस चीज़ में है? डिफरेंट सर ये रहता है कि ये देखिए, एक तो बेसिक सा है इसमें, जस्ट रखना है मुझे, जस्ट प्लेस करना है, ऐसे प्लेस कर दूंगा मैं आपकी कार में तो फिट हो जाएगा। 70 जो हो गया वो 70 थोड़ी अपर सीरीज हो जाती है, 7D हो गया, 9D हो गया, आजकल तो 11D भी आ गया। अच्छा। है हाँ जी, 11D तक आ चुका है, बट वही है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू, देखो क्या है इस पे क्या है, इजी टू क्लीन रहता है। हाँ, मतलब इसे बाहर निकाला, झाड़ा, बस क्लीन करा कपड़े से और हो गया जी। 70 मैट जो हो गया वो थोड़ा सा क्या रहता है, ड्यूल मैट कह देते हैं उसे हम। अच्छा। कि फ्लोरिंग भी हो गया, प्लस में उसके ऊपर पैच होता है ग्रास का, जस्ट अच्छा। वो ग्रास को हटा के साफ करके रख सकते हो आप। हाँ, वो वेलक्रो से चिपका होता होगा बस, है ना, वगैरह हो गया, टिच बटन, अब तो वेलक्रो आ गए, पहले आते थे टिच बटन वगैरह, अब वेलक्रो सिस्टम आ गया। बट मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दोनों ही बेस्ट अपनी जगह, 7D अपनी जगह बेस्ट है, 5D अपनी जगह है सर, लेकिन मेरा ओपिनियन, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो 5D है जी। मैंने भी सबसे वैसे यही सुना है कि मतलब एक तो ऑर्डरलेस रहता है, स्टेनलेस रहता है, और मतलब कोई वाटर प्रूफ है, बस एक बार लगाओ और फिर लाइफ टाइम भूल जाओ, है ना? बिल्कुल, बस यही बात है कि हमारे को यही चीज़ ऐसी लगवानी है कि बस बेस्ट टू बेस्ट लग जाए चीज़। मेरा खुद का भी मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी अपनी सेल्टोस है। हाँ। मेरी अपनी पंच है, यहाँ तक कि वैगनार है, मैंने सब में GFX। क्या बात है, तो बढ़िया चीज़ लगवा रहे हैं फिर हम। तो भाई तूफान ही आ गया एकदम, हमने गाड़ी साइड करी है अभी, लाइट्स का हो गया, आपको दिखाऊंगा बाद में, बट देखना ज़रा क्या हो गया।
इतना तूफान भैया, अब ये मतलब तूफान भी साथ लाए हो आज मौसम भी अच्छा करा के जाओगे, कुछ गिफ्ट भी लाना होता ना तो तूफान ही आ गया साथ में। सही बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। क्या गया ये, यहाँ पे भी हमारे मड फ्लैप्स भी लगने शुरू हो रहे हैं और ये अपना सारा सामान इधर खुला हुआ है और ये मौसम का हाल ही खराब हो गया। तो ये पहला हमारा लग गया है मड गार्ड इधर और एकदम ओरिजिनल हमारा लग रहा है, तो सुंदर ही लग रहा है यार। सही तो पीछे वाले भी लग रहा है। तो भैया ये जो हमारे लग रहे हैं इसका थोड़ा सा बता पाओगे किस क्या रेट क्या है इनका? सर देखिए, वैसे तो अगर आप बेसिक लेते हैं बेसिक की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो अराउंड अपने 250-300-400 समथिंग आ जाती है। हाँ जी, बट कालरा कार जो हमारा एम रहता है ना सर, कस्टमर को हमेशा बेस्ट देना ही रहता है जी। तो हमने अभी टैको ब्रांड के लगवाए हैं आपकी कार में। अच्छा जी, क्योंकि ये पूरा जैसे मैं देख रहा हूँ जो हमारा जो बम्पर कार है सेम वही मटेरियल लग रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है एक्सटेंड हो गया है सिर्फ। जी 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 बिल्कुल, मैंने जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मेन एम रहता है ना कालरा कार से, इसका मेन एम कस्टमर को प्रोडक्ट प्लस में सर्विस अच्छी देना ही रहता है सर। हमारा मेन मोटिव ही यही है, ये नहीं कि हमने अभी लगा दिया हमारा काम खत्म, नहीं नहीं अभी तो हमारा सर काम शुरू हुआ है बल्कि आपके साथ। क्या बात है सर, वो ये घर आके लगा रहे हो, उससे आगे तो फिर क्या ही कोई बोलेगा। और तो वही मड फ्लैप सारे लग गए हैं, बस आखिरी चीज़ रह गई है हमारे मैट्स की। और अभी कितने पीस होते हैं वैसे? वैसे तो सर क्या रहेगा, फ्रंट के सिंगल रहते हैं, रियर के और जो बैक के होंगे ना, दोनों रियर के जो होंगे वो वन में ही होंगे, एक में वो पूरे में ही रहता है वो। अच्छा, तो मतलब एक तरह से पूरा फ्लोर हो जाएगा, एक तरह से फ्लोर आपका कवर हो जाएगा सर इसमें। क्या बात है, तो ये ऐसे लग जाता है और एकदम फ्लोर को कवर कर लेते हैं पूरा, फ्लोर टू फ्लोर। सही है भाई, ये कुछ फिक्स भी होता है क्या इसका, जो इसमें वो ऊपर दो नोजल्स है ये फिक्स होगा ना अभी? हाँ, तो फिक्स हो जाएगा। वैसे अगर ये फिक्स जैसे नीचे इसमें अगर आपके पास उसके क्लिप्स हैं तो ये यहाँ से क्लिप हो जाता है, बट अगर नहीं भी है क्लिप्स तो ये फिर भी मूव नहीं होता, ये इतना ज़्यादा अच्छा मैट होता है। अब ये मैं पूछ रहा था जैसे ये वाले जो हमारे मैट्स लगे हैं इनका क्या प्राइसिंग कैसे रहती है, जैसे हमारे स्कॉर्पियो एन की अगर मैं बात करूँ? सर बेसिकली क्या रहती हैं इसकी जो MRP होती है, देखिए वो MRP लेस हमारा वैसे 20% रहती है। अच्छा, बट जैसे आप हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, आप हमारे अच्छे जुड़े हैं कालरा कार से, तो हम आपको और डिस्काउंट भी देंगे इस पर। अच्छा अच्छा, तो अगर कोई आपको आके कहता है जैसे मेरा माइल चेजर्स है चैनल, कि माइल चेजर्स पे आपकी वीडियो देखिए, तो उनका ध्यान रखोगे ना थोड़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल रखेंगे ध्यान, खास ध्यान रखेंगे उनका। और बताइए, तो कालरा कार्स है भैया का स्टोर है गुड़गांव, मैंने शुरू में बताया था, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से जाके हमारा नाम लेके अगर आप उन्हें बताते हो कि हमारी वीडियो देखिए तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे थोड़ा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये भी हटाई रहे हम, उद्घाटन हो ही जाए जब पूरा हो रहा है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं हटाई थी क्योंकि अभी तक मेरे फ्लोर मैट नहीं लगे थे और गंदी हो रही थी गाड़ी, तो मैंने कहा जब तक ये नहीं लगते तब तक इसे रखते हैं, बट अब पूरी तरह से हटा ही रहे हैं एकदम। तो भाई एक जगह से तो मैं भी हटा दूँ। हाँ पूरी फोल्ड हो जाएगी पीछे। हाँ तो ये पूरा एकदम एंड टू एंड लगेगा एकदम सीट के नीचे जाके, ताकि कोई डर्ट वगैरह वाला सीन रहे ना। तो भाई ये भी हमारा पूरा पीछे भी सेट हो चुका है, और ये वैसे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा जब दिन में, अभी तो जैसे हम सिर्फ लाइट मारा को दिखा रहे हैं, और स्कॉर्पियो वन का देख लो ओरिजिनल है, और पूरी अब गाड़ी में हमारा ये हो चुका है। एक बार आपको पूरी दिन में दिखाऊंगा, बट अब हो गया ना काम अपना जितना था सारा? हाँ जी सर बिल्कुल, काम कंप्लीट है। थैंक यू सो मच भैया। भैया जतिन भी हैं, इनका नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो इनकी शॉप है उसकी एड्रेस और डिटेल्स सारी वहाँ पर है। तो भैया अगर लोग ज़्यादा तंग करें तो गुस्सा मत होना। अरे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मोस्ट वेलकम सबके लिए। चलिए थैंक यू सो मच, वेलकम। तो भाई जितने भी मैट्स वगैरह ना, ये तो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, बट मैंने कहा एक बार पहले मैं अपने इसका थ्रो चेक कर लूँ ज़रा। वाह, मतलब ये अभी वैसे हाई बीम पर है, ये लो बीम पर है। बाहर चलेंगे ना, अभी हमने रात का प्लान है हमारा बढ़िया सा, तो उसमें आपको एक बार बाहर दिखाऊंगा इनका थ्रो, तो बहुत सही लग रहा है यार अभी अंदर तो, बट बाहर भी एक बार पता चलेगा। तो भाई एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे है इसका सीन, एक बार जलाओ उसे। अरे यार एक चीज बोली थी इनको। एक चीज बोली है कर दो। अबे यार इनको बता क्या ना पड़ेगा। तो भाई टेक टू, अब तो ऑन कर दो। ये क्या कर रहा है, करो ऑन। तो ये लो बीम, अब हाई बीम करो एक बार। हाँ सही है,
तो भाई काम वगैरह सब हो गया एकदम बढ़िया तरीके से, भैया जा चुके हैं और मैं भी जिस लिबास में हूँ ना इस टाइम आपको पता चल गया होगा, भैया चेंज वेंज करके आराम से बैठे हैं घर पे। और मैं आपको ये बता दूं पहले यार, देखो उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनकी स्टोर की भी, और अगर आपको उन्हें घर पे बुलाना है आप उन्हें घर पे भी बुलवा के करा सकते हो, इजीली हर चीज़ कर जाएंगे। गुड़गांव में जैसे उन्होंने बोला कि कहीं पर भी वो आ जाते हैं, तो उन्हें कॉल कर लेना यार, क्योंकि मुझे तो काम काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं आपको एक और चीज़ बतानी थी, जैसे मैंने दिखाया आपको कि फ्लोर मैट्स मैंने GFX वाले ही क्यों कराए हैं, तो यार भैया ने आपको वैसे बता ही दिया था कि ये वाले जो मैट्स हैं ना आप वैसे कोई भी करा सकते हो, जैसे बाकी जो आते हैं 70 हो गए, 90 हो गए, या इनफैक्ट 5D भी हो गए, उसके नीचे मत जाना कभी भी, उसके नीचे बेकार ही रह जाता है एकदम मामला। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैंने 70 करा रखे हैं हमारी क्रूज में, तो क्या होता है यार जब भी आप गाड़ी वॉश करते हो उन मैट्स को साफ करते हो ना, तो काफ़ी देर तक उसमें बहुत गंदी स्मेल हो जाती है मैट्स में, आपको पता ही हो कैसी स्मेल होती है। तो बट जो GFX वाले आजकल मैट्स आ गए ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें, आप एक तो लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं, ओडोरलेस हैं, वो स्मेल कभी नहीं आएगी गाड़ी में, प्लस इतने ईजी हो जाते हैं सारी वॉशिंग वगैरह सब कुछ, बस आपने गंदे निकाले, झाड़े, साफ करा, वापस लगा दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और लगते भी काफ़ी अच्छे, एकदम फ्लोर टू फ्लोर ऐसे चिपक जाता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी का फ्लोर ही है वो। तो यार काफ़ी अच्छे रेट पे ये लोग दे देते हैं मैट्स, जो आपका मार्केट रेट है उस आपको 20-30% तो ईजिली डिस्काउंट कर देंगे, बाकी हमारा रेफरेंस दोगे तो आपको और भी अच्छा ध्यान रखा जाएगा, जैसे भैया आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ठीक है, जाओ कॉल करो, अगर जाना है वहाँ पर डायरेक्ट जाओ, घर बुलाना है घर बुलाओ, जो करना है करो। माइल चेजर्स पे हमारा ये मोटिव रहता है कि जो हम अच्छी ईजी वे आउट अगर कुछ निकल रहा है तो आप तक वो चीज़ पहुँचाएं, और ये एक और चीज़ है जो आप तक हमने पहुँचा दी है। तो यार देखो ये होता है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्लीज़ जैसे मैं कहता हूँ एक लाइक एक कमेंट अगर हर बंदा कर देगा तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, तो वो करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और वीडियोस आगे आती रहेंगी, क्योंकि अभी मेरे को और भी चीज़ें करानी है स्कॉर्पियो N Z6 में, तो वो भी मैं धीरे धीरे करके आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो ठीक है, आप है तो हमें, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।